तो गाइज आप देख सकते हो मेरे पीछे है अपडेटेड पल्सर NS160। तो क्या क्या अपडेट हुए हैं और अभी ये बाइक कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। और भाई ये नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करो, ऐसे ही आपको क्विक वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती इस चैनल पे, छोटी सी वीडियो होती है बट टू द पॉइंट होती है। सीधा अपन मुद्दे की बात करते हैं, जो भी इसमें चेंजेस हुए हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले तो आप इसका पूरा लुक देख लो, तो लुक वैसा ही है जैसा कि अभी तक हम NS का देख रहे हैं, तो लुक में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि अभी जो इसका फ्रंट का वो अभी इन्वर्टेड देखने को मिलता है, इन्वर्टेड शॉक एब्जॉर्बर्स है और कुछ डार्क मेटल ग्रे फिनिश की इसकी पूरी फिनिश है और वाइट कलर है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा कि अभी बजाज ना कलर पर भी फोकस कर रहा है, मतलब प्रीमियम और क्लासिक कलर बना रहा है। इसके पहले मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत मतलब अजीब से कलर कॉम्बिनेशन होते थे, लेकिन अभी जो अपडेट होकर कलर कॉम्बिनेशन आया ना, चाहे आप NS200 की बात करो चाहे NS160 की बात करो, वो बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही क्लासी लगते हैं। जैसे इसका पूरा कॉम्बिनेशन आप चेक करो, वाइट सारे साथ में रेड हाईलाइट्स हैं, कहीं कहीं पे आप जैसे 160 की बैजिंग देखो, ये कुछ मिरर इफेक्ट में है सिल्वर में, तो वो एक चीज़ है। हाँ, मिरर इसमें नहीं है, वो आपको 200 में देखने को मिलता है, बट इसकी फिनिश भी काफ़ी बेहतर है। इसी के साथ इंजन प्रोटेक्शन काउल है। क्लोजली मैं आपको चेक कराता हूँ, तो ये है पूरा इसका शॉक एब्जॉर्बर्स जो कि इन्वर्टेड है। हाँ, एक और अपडेट कि इसमें अभी आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, पहले सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता था। तो अभी ब्रेकिंग इसकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब सेफ्टी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ये है इसका फ्रंट का डिस्क जो कि है 300mm का और ABS की रिंग भी है। ग्रेमिका के यहाँ पे कैलिपर्स दिए गए हैं। इस साइड आओ, यहाँ पे ऑयल कूलिंग की बैजिंग है क्योंकि इसमें ऑयल कूलर देखने को मिलता है। ये है टैंक का प्रोफाइल। टैंक में आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे कुछ ट्राई कलर टाइप की थीम है, जैसे ये जो पार्ट है ये ब्लैक में है, ये वाइट है, ये यहाँ पे रेड है और 160 की बैजिंग अलग ही सिल्वर में है। ये है इसका इंजन, इसमें आपको 160cc का इंजन देखने को मिलता है जो कि मैक्स पावर निकाल के देता है 17.2 PS की और मैक्स टॉर्क निकाल के देता है 14.5 Nm के आसपास का। तो हाँ भैया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका, मतलब पावर फिगर टॉर्क फिगर काफ़ी अच्छे हैं। फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, यहाँ पे देख सकते हो उसकी बैजिंग भी है। इसमें आपको पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिलता है और ये है यहाँ पे मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स और यहाँ पे देख सकते हो पीछे भी जो डिस्क है उसमें भी ABS की रिंग है, ये देख सकते हो 230mm का डिस्क है। पीछे के टायर 130 सेक्शन के है, तो ये भी एक अपडेट है कि भैया अभी इसके टायर थोड़े से मोटे हो चुके हैं। ये इसकी टेल टायर डी ऐसी कुछ सीट है। NS160 की बैजिंग यहाँ पे है और स्टिकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो फाइबर है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसे ये पार्ट अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं, मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कुल मिला की बात करूँ तो। अब पल्सर का 3D बैजिंग दिया गया है यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़। हाँ, अंडर बेली एग्जॉस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हो इस साइड आ जाते हैं। तो यह है इसका सारी गार्ड, ओपन चैन देखने को मिलता है। अलॉय व्हील की डिज़ाइन बहुत अच्छी है यार, और अलॉय व्हील में थोड़ा सा आप देखो रेड इंसर्ट भी, मतलब रेड हाईलाइट भी यूज़ करा गया है, तो ये भी ओवरऑल लुक को काफ़ी इन्हेंस करते हैं। सेंटर स्टैंड भी देखने को मिलता है, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है और क्लस्टर वगैरह देख लेते हैं। तो ये पूरा इसका सेंटर क्लस्टर है, क्लिप ऑन वाले हैंडल बार हैं और स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये स्विच देख लो आप, चाहे ये स्विच देख लो, है ना, तो ये भी इम्प्रूव हुई है। क्लस्टर आपको दिखाता हूँ, तो ये क्लस्टर वैसा ही है जैसे अभी तक हमें NS में देखने को मिलता है, बट इसमें कुछ फीचर्स भी इम्प्रूव हुए हैं, मतलब ऐड हुए हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले तो आप देख लो इसका पूरा, ये है इसका RPM मीटर, मतलब टैकोमीटर, स्वाइप अप इसमें होता है। इसी के साथ यहाँ पे फ्यूल मीटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर अपडेट हुआ है, मतलब ये नई चीज़ है। क्लॉक मिलता है, ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, RPM लिमिटर है, यहाँ पे इंजन मेलफंक्शन है, लो इंजन ऑयल का भी इंडिकेटर दिया गया है और इसी के साथ इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी भी ऐड हो चुका है। और एक चीज़ की भैया इसमें एवरेज फ्यूल कंजप्शन भी दिखाता है। तो कुल मिला के 2-3 एक्स्ट्रा नए फीचर्स इसके क्लस्टर में ऐड हो गए हैं और अभी ये वैसे ही फीचर्स दे रही है जैसे आपको N160 फीचर्स देती है अपने क्लस्टर में, बट ये सेमी डिजिटल में है और मुझे लगता है कि भाई इसके साथ ना, मतलब ये बाइक के साथ ये क्लस्टर सूट होता है। तो हाँ, यही है भाई अपडेट और बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी है कि इसकी, क्योंकि इसकी एक्स शोरूम प्राइस आप देखो तो 1,34,000 कुछ है एक्स शोरूम दिल्ली। एग्जैक्ट प्राइसिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बाकी ऑन रोड प्राइस के लिए आप नियरेस्ट बजाज डीलर को विजिट कर सकते हो। एक चीज़ और कि इसकी जो हेडलाइट है ना, वही हेलोजन वाली मिलती है, हेलोजन बल्ब, मतलब LED नहीं है। मे बी नेक्स्ट अपडेट में LED भी आ जाए, बट अभी के लिए तो फिलहाल नहीं है।